अरे तापिस कितना वर्कआउट करेगा, कितनी बॉडी बनाएगा? अरे सारी बॉडी आज ही बना के जा रही है, मुझे जिम के अंदर कुछ हो जाए चाहे। अरे तू बॉडी बनाता रहा, मैं जा रहा हूँ काम काम मुझे कुछ थोड़ा। ठीक है तू चले जा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काई किंग हेल्थ। आई एम मोहम्मद तापिस और आज का मेरा टॉपिक है कि हम सोचते हैं कि ज़्यादा वर्कआउट करूँगा तो ज़्यादा मसल ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वक्त हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा वर्कआउट करूँगा तो मेरे मसल ज़्यादा ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी जो बॉडी है उसमें इनफ एनर्जी नहीं होगी, तो आपकी बॉडी आपके जो मसल्स बने हुए हैं उनको खाना शुरू कर देगी। तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक स्टेज में चली जाती है, जिससे हमारे मसल्स कम हो जाते हैं, हमारे जो मसल्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हम एक तो हार्ड वर्क कर रहे हैं इतना और हमारी जो मसल्स हैं वो भी कम हो जा रहे हैं, हम हार्ड वर्क करते हैं जिम के अंदर आते हैं। तो ज़्यादा वर्कआउट ना करें, जितनी आपके अंदर एनर्जी है उतना ही वर्कआउट करें। ज़्यादा वर्कआउट करने से क्या होगा, आपके मसल्स उल्टा कम हो जाएंगे, बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाएंगे। तो क्या फ़ायदा है ऐसे वर्कआउट से, जो आप हैवी वर्कआउट कर लें और आपके मसल्स भी ग्रो नहीं करेंगे। इतना वर्कआउट करें जितना आपको लगे कि ठीक है, क्योंकि एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक स्टेज में जब चली जाती है बॉडी तो क्या होता है, मसल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं और क्या होता है, आपके जो बॉडी है मसल्स खाना शुरू कर देती है। तो फ्रेंड्स यही है कि आप लिमिटेड वर्कआउट करें, जितनी आपको लगे, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, जिससे कि आपकी बॉडी एनाबॉलिक से कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाए। तो यही है कि यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लिमिटेड वर्कआउट करें फ्रेंड्स। तो कैसी लगी आपको वीडियो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़रूर और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।